हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में करीब 60,000 भर्तियां निकालने जा रहा है। ये भर्तियां सी और डी ग्रुप के लिए की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सी ग्रुप में 32,000 भर्तियां, डी ग्रुप में 12,000 भर्तियां, 6,000 महिला और पुरुष कांस्टेबल, 7,500 टीजीटी और अन्य भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों के लिए करीब 10,00,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। हम फिर से पोर्टल को खोलने जा रहे हैं ताकि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो इसमें अप्लाई कर सके। वहीं एचएसएससी के चेयरमैन ने कांस्टेबल भर्ती विवाद पर भी जवाब दिया। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में कई पदों पर हजारों भर्तियां करने वाला है। ये भर्तियां कौन कौन सी रहेंगी, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी, इन सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जो भर्तियां करने वाले हैं आप, काफी बड़े स्तर पर भर्तियां होने वाली हैं, किन किन पदों पर भर्तियां होंगी और कुल कितनी भर्तियां जो है आने वाले दिनों में बोर्ड की ओर से की जाएंगी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हरियाणा सरकार की तरफ से जो रिक्विजिशन है, जिसको हम डिमांड कहते हैं भर्तियों के लिए, वो लगभग 60,000 पोस्टों की डिमांड हमारे पास आ चुकी है। लगभग सारी ही पोस्टें हैं, जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मंडी बोर्ड है, मंडी बोर्ड सुपरवाइजर है, ऑडिटर हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर के पद हैं, क्लर्क के पद हैं हमारे पास, अकाउंटेंट के पद हैं, इस तरह से सी क्लास के लगभग सारे ही पद हमारे पास, स्टाफ नर्स, MPHW, इस तरह से बहुत सारे पोस्टें, 32,000 पोस्टें हमारे पास आ चुके हैं। उसके जो एग्ज़ाम है, परीक्षाएं हैं, वो कब तक आप सोच रहे हैं, कब तक वो ली जाएंगी? डी क्लास के लिए और सी क्लास के लिए हमने आवेदन एक साथ ही मांगे थे, तो लगभग सी क्लास के लिए और डी क्लास के लिए 10,00,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कॉमन कैंडिडेट हैं। फिर भी हमारे आयोग ने फैसला लिया है कि उसके बाद कुछ बच्चों ने मैट्रिक की, प्लस टू की जो परीक्षाएं हैं वो पास कर ली हैं, तो हम अगले हफ्ते से ये पोर्टल दोबारा खोलने जा रहे हैं कि जिन्होंने फ्रेश रूप से, जिन्होंने अप्लाई जो नहीं कर पाए थे, वो नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने डी क्लास का जो फार्म कोई भरा था, उसके फार्म में कोई त्रुटि है तो वो अपडेट भी कर सकता है। तो एक्सरसाइज हमारी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट में कई बार कई भर्तियों पर सवाल उठ जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट में सवाल उठते हैं तो वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निशाने पर कई बार विरोधियों के आ जाता है। कई भर्तियों में क्वेश्चन पेपर में कई कमियां पाई जाती हैं या भर्ती प्रक्रिया में समझ नहीं आती, इस तरह की बातें हाई कोर्ट में लगातार सामने आती रहती हैं, इनका क्या कारण है? क्योंकि हाल ही में टीचर्स की बात भी सामने आई थी, टीजीटी टीचर्स की भर्तियों के बारे में बात आई थी। नहीं, टीजीटी टीचर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई अभी तक। टीजीटी के हमने एग्जाम लिए हैं, कुछ केस कैंडिडेट ये थे जो सीटेट पास थे, और सीटेट पास को बच्चों ने, सॉरी सरकार ने बाहर कर दिया था कि हमने सिर्फ एचटेट चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। इस तरह के बच्चे कोर्ट में गए थे, कुछ बच्चों को कोर्ट ने अलाउ कर दिया, उनका हमने प्रोविजनल टेस्ट लिया है। टीजीटी में कोई ऐसा मामला नहीं आया। दूसरे कई मामले आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन गलत का मामला आ जाता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, तो वो इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो नॉर्थ इंडिया का ही नहीं है, वो कहीं और का है, जो एग्ज़ाम जो पेपर को सेट करता है या प्रिंट करता है, तो उससे गलती हो जाती है। और मानते हैं कि हमने कहीं ऐसी गलतियां पाई कि हमारा उत्तर कुछ और होना चाहिए था, एग्जामिनर ने उत्तर कुछ और दिया, फिर भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को कि जैसे ही एग्ज़ाम होता है 2-3 दिन बाद हम ऑब्जेक्शन मांगते हैं कि आपको क्वेश्चन पे कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो आप बताएं। अगर ऑब्जेक्शन कैंडिडेट करता है तो हम अपने एग्जामिनर से उसको दुरुस्त कराते हैं और उससे कहते हैं कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको TGT के बारे में ही कहें, तो एक उसमें क्वेश्चन था कि कल्याणा गाँव में इस तरह का पत्थर पाया जाता है जो भिवानी ज़िले में है, तो कल्याणा गांव भिवानी ज़िले में है ही नहीं, वो दादरी चरखी दादरी में है। तो हमारे पेपर सेटर ने शायद उस समय की कोई किताब NCERT की पढ़ ली होगी जब कल्याणा गांव
भिवानी का पार्ट हुआ करता था। तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अगर बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं टाइम रहते हुए तो हम ऑब्जेक्शनों को ठीक करा देते हैं। पर इसमें विडंबना की बात क्या है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है और बच्चे देखते हैं कि मेरा एक नंबर से काम चल सकता है, तो वो पूरा अध्ययन तब करते हैं कि इनकी गलती ढूंढो कहाँ है। टाइम रहते तो उसने ऑब्जेक्शन किया नहीं ताकि हम अपने एग्जामिनर से इसको ठीक करा लें, तो वो बाद में कोर्ट में पहुंच जाता है जो ठीक नहीं है। हमने कोर्ट में भी ये कहा है कि जिस कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया है और उसके बावजूद हमने क्वेश्चन ठीक नहीं किया, आप सिर्फ उसको इंटरटेन करें, ऐसे क्वेश्चन को आप इंटरटेन करें ही ना जिस पे बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया ही नहीं था। अगर उसने ऑब्जेक्शन किया होता तो हम से मेरे एग्जामिनर से ठीक करा लेते। तो ये थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से 60,000 पदों की रिक्वायरमेंट जो है वो आई है और जल्द ही इन 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें सी और डी दोनों ग्रुप की भर्तियां होंगी। साथ इन्होंने कहा कि कई बार अगर किसी प्रश्न में गलती हो जाती है तो समय रहते अगर उम्मीदवार ऑब्जेक्शन करता है तो जो है कमीशन की तरफ से उसे दुरुस्त किया जाता है, लेकिन अगर समय रहते उसे नहीं ऑब्जेक्शन उस पर किया जाता तो उसमें कमीशन अपनी गलती जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता। ब्यूरो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।